आगरा में यमुना नदी में अचानक कुछ पत्थर पानी में तैरने लगे तो लोग इन्हें निकाल कर घर ले आए। इन पत्थरों को फिर से पानी में डाला गया तो ये फिर तैरने लगे। दो पत्थरों का वजन किया गया तो वो 28 किलो और 5 किलो का निकला। पत्थरों को पानी में तैरता देख लोग पूजा अर्चना के लिए उमड़ पड़े। लोगों को भरोसा है कि ये वही पत्थर है जिसका इस्तेमाल राम सेतु बनाने के लिए हनुमान ने किया था, लेकिन इन पत्थरों के तैरने का वैज्ञानिक कारण क्या है फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कागज लेकर खड़े हो गए और पढ़कर सुनाने लगे। इसके जरिए खड़गे ने भीड़ की हिंसा पर तुरंत चर्चा की मांग की, जिसे लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने ठुकरा दिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इससे पहले जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस के सांसद प्रश्नकाल रोककर गोरक्षकों की गुंडागर्दी और भीड़ की हिंसा पर चर्चा कराने की मांग करने लगे। इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस पढ़कर सुनाना शुरू किया, लेकिन स्पीकर ने तुरंत चर्चा से इनकार कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस के सांसद हंगामा करने लगे। मैंने शुरू में बोला है आफ्टर क्वेश्चन आवर आई विल अलाउ। हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल की कार्यवाही भी चलती रही। ज्यादा हंगामा बढ़ता देख केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने सरकार का पक्ष रखा। हर विषय के ऊपर हर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, हम जवाब देने के लिए भी तैयार है, प्रश्नकाल चलने दे। लेकिन सरकार की ओर से दी गई इस दलील का विपक्ष पर कोई असर नहीं पड़ा और हंगामा चलता रहा। बीच बीच में कई बार लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के सदस्यों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के सदस्य शांत नहीं हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने बोफोर्स मुद्दे का जिक्र कर हंगामा और बढ़ा दिया। बोफोर्स का जो जिन है वापस बोतल से बाहर आ गया है, उसका विधिवत दफन होना चाहिए। मीनाक्षी लेखी के बोलते ही हंगामा और बढ़ गया। इसी दौरान अनंत कुमार बोलने के लिए खड़े हुए, तभी एक कांग्रेस सांसद ने पर्चा फाड़कर स्पीकर की ओर उछाल दिया। कागज उसको छीन करके वो फेंके, इसके खिलाफ है। चेयर का मान सम्मान सबसे ऊंचा है। मुझे भी देखने दो कितनी अनुशासनहीनता ये लोग कर सकते हैं। भारी हंगामे के बीच कांग्रेस के सांसद वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कई बार पर्चे फाड़कर स्पीकर की ओर उछाले गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने हंगामा करने वाले सांसदों पर सख्त कार्रवाई भी की और स्पीकर के आसन पर पेपर फेंकने वाले 6 विपक्षी सांसदों को सदन की कार्यवाही से 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। इनमें गौरव गोगोई, के सुरेश, अधीर रंजन चौधरी, रंजीत रंजन, सुष्मिता देव और एम के राघवन पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही से निलंबित हुई सुष्मिता देव ने अपने विरोध को सही ठहराया। विरोध का तरीका होता है चर्चा, अगर चर्चा नहीं चाहती सरकार तो हम क्या करें। स्पीकर की सख्त कार्रवाई के बाद भी कांग्रेस के नेता भीड़ की हिंसा पर तुरंत कार्रवाई की मांग करने पर अड़े हुए हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद में हुई घटना पर दुख जताया और सांसदों को मर्यादित व्यवहार करने की नसीहत दी। आज वास्तविकता में बहुत दुखी हूँ, जो भी कुछ हुआ केवल वेल में आकर के हंगामा करना ये तो गलत है ही, ये तो अनुशासनहीनता है ही। चार चार बार कागज फाड़ फाड़ के टुकड़े और कागज के गोले गोले करके भी स्पीकर पर फेंके गए। तो कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सांसदों पर हुई कार्रवाई का विरोध किया और इस फैसले के खिलाफ गांधी प्रतिमा के सामने धरना देने का ऐलान किया। ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, सदन में इसको उठाएंगे और गांधी स्टैचू के सामने भी हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। गुजरात में लगातार भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। राहत और बचाव में जुटी एजेंसियों ने अब तक भारी बारिश और बाढ़ में फंसे 1,000 से ज्यादा लोगों को बचाया, जबकि 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। खराब मौसम और भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने कच्छ में प्राथमिक और हाई स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए। गुजरात के साथ ही राजस्थान के भी कई जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। बचाव के काम में जुटी सेना ने पाली जिले के पावटा गांव से 31 लोगों को बचाया। इसके अलावा जालौर में भी सेना की टीम राहत और बचाव काम में जुटी हुई है।